बाज अपने घोंसले से नरम घास को निकाल देता है ताकि बाज का बच्चा उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता। बाज एक पक्षी है और उसे भी ये बात पता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन कम्फर्ट जोन। लेकिन हम इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं कि आप जितना ज्यादा कम्फर्ट जोन में रहेंगे आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही ज्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाएगी। लेकिन सिर्फ ये एक ऐसी सीख नहीं है जिसे आप बाज के जीवन से सीख सकते हो। उसके जीवन से आपके जीवन में उतारने के लिए 5 बहुत महत्वपूर्ण सीख हैं जो आपको एक सफल इंसान बना सकती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा बाज से सीखने लायक 5 बातें। बाज हमेशा अकेला उड़ता है और बाकी पंछियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। वो या तो हमेशा अकेला उड़ेगा, कभी किसी चिड़िया या छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ेगा, या हमेशा दूसरे बाज के साथ उड़ान भरेगा। इससे हमें भेदभाव करने की सीख नहीं मिलती बल्कि हमें ये सीखने को मिलता है कि हमेशा छोटी सोच वालों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। बाज का विजन बहुत ज्यादा क्लियर होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख सकता है और जब उसे एक बार अपना लक्ष्य दिख जाता है उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए पीछे बिल्कुल मत हटो। बाज कभी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है। अपने पास्ट की पुरानी यादों को जो तुम्हें हमेशा तंग करती हैं, उन्हें वहीं रहने दो जहां उनकी जगह है। और तुम्हारे पास्ट की जगह है तुम्हारे पास्ट में, उसे वर्तमान में बिल्कुल भी जगह मत दो। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाज भी कभी किसी मरे हुए जानवर को नहीं खाता। जब आंधी तूफान आते हैं, जब बारिश होती है तो सारे पंछी छिपकर बैठ जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन बाज को बड़ा मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है और ऊपर उड़ते उड़ते वो बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत में मजा ढूंढो। नेपोलियन हिल ने भी एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो। अगर अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपनी जिंदगी को एक तपस्या की तरह जीना सीखना पड़ेगा। अगर आम लोगों की तरह जियोगे तो आम चीजें ही हासिल होंगी। तो आशा करता हूँ आज आपको बाज के जीवन से कुछ अच्छी बातें जरूर सीखने को मिली होंगी जिन्हें आप अपने जीवन में जरूर उतार कर देखेंगे और उनका फायदा भी आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो सकारात्मक सोच के साथ, जोश और जुनून के साथ अपने लक्ष्य की तरफ पॉजिटिवली बढ़ते रहिए। खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए मन की आवाज़।